जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे और 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगा कि ये कैसी भर्ती है, कौन लोग इसमें एलिजिबल है और कैसे आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही आप यहां पर ये भी जान लीजिए कि अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रोटीन है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 600 पद यहां पर निकाले हैं। अगर आप यहां से जानकारी चेक करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 136 इन्फेंट्री बीडीई जीपी पोर्टर कॉनवे, यानी कि ये कॉनवे आपकी 600 वैकेंसी की यहां पर रिक्रूटमेंट कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये टेम्पररी भर्ती है, जिसका शुरुआती पीरियड 179 दिन रहने वाला है, यानी कि 179 दिन के लिए आपकी ये शुरुआती पोस्टिंग होगी। उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बात करें वैकेंसी की तो पोर्टर्स के लिए 500 पद है, मेट्स एंड अदर सिविलियन के लिए 50, सफाई वाला के लिए 10, जेसीबी ऑपरेटर मैसन के लिए आपके 40, टोटल 600 पद निकाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगी, आपको सिंपली इन एलिजिबिलिटी के ऊपर खरा उतरना है, जिसमें कि आप का मेल सिटीजन यानी कि इंडिया का मेल कैंडिडेट होना जरूरी है। दूसरा, आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए 1 जून 2022 तक, यानी कि 1 जून 2022 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 40 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और आप मेडिकली फिजिकली फिट एंड शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी कंटेजियस डिजीज, यानी कि किसी ऐसे रोग से आप नहीं गुजर रहे हो जो कि आपको परेशान करता हो। इसके बाद यहां पर आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, सर्टिफिकेट फ्रॉम विलेज पंचायत, इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और लास्टली आपको कहा है कि शुड नॉट हैव अंडरगोन एनी इंप्रिसमेंट, लोकल पुलिस स्टेशन सर्टिफिकेट टू बी दिस इफेक्ट टू बी बाउट बाय द इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि कोई भी आपके ऊपर क्रिमिनल केस न हो, आप कभी भी जेल के अंदर न गए हो, और इसके संबंध में आपको पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट देना होगा जब आपकी पोस्टिंग होगी तब, यानी कि जब आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे तब। तो यह है आपकी एलिजिबिलिटी, यानी कि कोई क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली आपसे नहीं मांगी। और जो आपका पैलेस ऑफ टेस्ट इंटरव्यू रहेगा वो आपका इस लोकेशन पर होने वाला है, और आप लोग यहां पर देखेंगे कि जो आपका टाइम एंड डेट है इंटरव्यू का वो 1 जून 2022 से 4 जून 2022 होगा, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक। ये हुई आपकी इसके बारे में जानकारी। आप लोग जो इस फॉर्म को भर पाएंगे वो आप लोग 28 मई 2022 तक भर पाएंगे। यहां पर आप ये चेक कर सकते कि कौन सी पोस्ट पर आपको यहां पर कितना बेसिक पे और टोटल कितनी सैलरी मिलने वाली है। बेसिकली आपको सभी पोस्ट पर 27,900 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। यहां पर आपको क्या छुट्टी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज क्या है, इन सब के बारे में आपको जानकारी जानने को मिल पा रही है। सेम जानकारी आप यहां पर हिंदी में भी चेक कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आपने एलिजिबिलिटी के बारे में जान लिया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है और आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए, तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अच्छे से अच्छे जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। अब बात करते हैं फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है हमारी वेबसाइट का, यही ओपन करना है। यहां पर आपको अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाए तो आपको कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो आप समझ लीजिए। पहले तो आपको यहां पर ये बोला है कि आप लोग इस फॉर्म को 28 मई 2022 तक भर पाएंगे। सेकेंडली आपको बोला कि अपलोडिंग ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी, यानी कि जब आप इस फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं तब आपका पुलिस वेरिफिकेशन को अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। ये आप तब लेकर के आए जब आपका रिक्रूटमेंट रैली होगा, यानी कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। और ध्यान दें कि ये जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है ये 1 फरवरी 2022 के बाद का ही बना होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। देन जो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पहले डे फिर मंथ, और जो भी आपका ईयर है वो ईयर भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आता है एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर पूरा का पूरा एंटर कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आएगा यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आप जैसे कि एलिजिबिलिटी के अंदर जाने कि इसमें आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना पिन कोड भी एंटर करना है। इसके बाद जो भी मोबाइल नंबर है आपका वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं भी है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन कंपलसरी फिल करना नहीं है। फिर है बैंक अकाउंट नंबर। जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस नंबर को दोबारा डाल करके कन्फर्म करेंगे, IFSC कोड देंगे। IFSC कोड आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर देखने को मिल जाएगा, या फिर आप अपनी बैंक की बैंक का नाम और ब्रांच जहाँ पर भी है, जैसे कि मेरा बैंक है SBI सहारनपुर, तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे और बाद में IFSC कोड लिख करके सर्च करेंगे गूगल के अंदर, वहां से भी आपको IFSC कोड मिल जाएगा। फिर आपका जो बैंक का एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहां पर लिखना है। अप्लाई फॉर ट्रेड, कौन से ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इन सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए मैं यहां से पोर्टल सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर आता है पासपोर्ट साइज इमेज। जो भी आपका पासपोर्ट साइज इमेज है वो आपको यहां पर अपलोड करना है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपकी पिक्चर है उसको सेलेक्ट करें और यहां से ओपन कर दे। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम यहां पर आ जाएगा। फिर आपको यहां पर आधार इमेज अपलोड करनी है। आधार इमेज आपको फ्रंट और बैक दोनों से करनी है। आपको उसको फ्रंट बैक से लेकर के एक इमेज के रूप में बना लेना है और वो यहां पर आपको अपलोड करना है। फिर आता है पुलिस वेरिफिकेशन। ये पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आप शुरुआत में कहा था कि ये अभी अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास अभी है 1 फरवरी 2022 के बाद का बना हुआ पुलिस वेरिफिकेशन तो आप उसको अभी अपलोड कर सकते हैं, बट अगर अभी आपके पास 1 फरवरी 2000 बाद का पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये करने के बाद में आप यहां पर टिक करेंगे और जो भी जानकारी भरी है उनको चेक करके आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे योर एप्लीकेशन हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड सून, डेट ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी सोन ऑन एडमिट कार्ड। यानी कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है और एडमिट कार्ड आप जल्द ही डाउनलोड कर पाएंगे क्योंकि 28 मई आपकी लास्ट डेट है। 28 मई के बाद आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, यहाँ पर आप उसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और जो आपकी रिक्रूटमेंट है डेट ऑफ वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मैंसन होगी। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं आप तो कांटेक्ट अस के ऊपर क्लिक करके यहां पर आपका कांटेक्ट नंबर है, इस नंबर के ऊपर भी आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहे। तो ये थी दोस्तों इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आपका कोई भी सवाल डाउट है इस भर्ती को लेकर के जो कि आप मुझसे भी जानना चाहते हैं, कोई किसी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन हो या आप उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानना चाहते हैं, कुछ भी आपका बेसिकली सवाल हो तो वो आप यहां पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बार प्रिफेयर करूंगा कि ये जो नोटिफिकेशन है हिंदी वाला एक बार आप इसको रीड करें। रीड करने के बाद में आपको यहां पर इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी और उसके बाद आप चाहे तो मुझे कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। तो यही थी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।